हे गाइस, वेलकम बैक। तो स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि ये चैन सारा कुछ याद कर रही होती है कि वो हनीमून के लिए दुबई गए थे, किस होटल में रुके थे और कितने दिन रुके थे। तभी डोरबेल होती है तो ये चैन हड़बड़ाहट में कहती है कि शिंडो टाकुन आ गया है। टाकुन कहता है कि नॉर्मल रहो, इतना क्यों हड़बड़ा रही हो। तो वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुम भी नॉर्मल रहो, जाकर कपड़े चेंज करके आओ। और दोनों जब नॉर्मल हो जाते हैं तब वो डोर ओपन करते हैं, शिंडो स्माइल करता है। शिंडो आते ही सब घर में देखने लगता है और कहता है कि ये तो टाकुन जल्दी से कहता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ। शिंडो कहता है कि बिल्कुल वाइब चेंज हो गई है। फिर कहता है कि तुम दोनों की कोई फोटो नहीं है। तो टाकुन कहता है कि देखो ना है वहाँ पर। वो देखता है तो दुबई वाली फोटो होती है जिसमें दोनों ने फोटो क्लिक की होती है। पहले का हमें बताते हैं कि दोनों ने फोटो क्लिक करके एडिट करके उसे दुबई का बैकग्राउंड लगा दिया था। ये चैन काउच पर देखती है कि वो पेपर्स पड़े हैं जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। टाकुन भी देख लेता है, वो जंप करके काउच पर बैठ जाता है और साइड में पिलो लेता है और शिंडो से कहता है कि बैठो ना। उसे कुछ अजीब लगने से पहले ही ये चैन कहती है कि तुम खाना खा के जाओगे ना। शिंडो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। फिर से हमें पहले का बताते हैं कि टाकुन ने कहा था कि हम घर पर बनाते हैं, तो ये चैन ने कहा था नहीं नहीं मैं खाना नहीं बना सकती। तो टाकुन ने कहा था कि मैं बनाऊंगा, बस तुम ऐसे बताना जैसे तुमने बनाया है, क्योंकि शिंडो ने पहले भी मेरे हाथ का खाना खाया है, क्योंकि मैंने उसे ऐसे बताया कि मेरी वाइफ ने बनाया है। शिंडो कहता है तुम्हारा पीलो तो बड़ा अच्छा है। टाकुन जल्दी से उठकर खुद ही उसके पास आ जाता है और दूसरी बातों में लगा लेता है। ये चैन अब वो पेपर उठाने जाती है तो शिंडो उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं योगा कर रही हूँ और जल्दी से वो पेपर उठाकर छुपाकर किचन ड्रॉ में रख देती है। ये चैन जब किचन में होती है तभी शिंडो आता है और कहता है कि तुम्हारी कुछ मदद कर दो, लाओ इन फ्लावर को वास में लगा देता हूँ, मुझे वास दे दो। ये चैन कबर्ड खोलती है, उसे नहीं पता होता कि वास कहाँ पर है, वो जग निकाल कर दे देती है। शिंडो कहता है ये तो रिमी का गिफ्ट है। तभी टाकुन आकर कहता है कि वो रिमी से जलस करती है और ये लो वास। शिंडो कहता है तुम्हें जलस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमी और टाकुन के बीच में कुछ नहीं है, वो जब भी मिले मैं साथ में था, हम फ्यूचर की बात करते थे। तभी रिमी का कॉल आता है तो वो साइड में जाकर रिमी से बात करने लगता है। रिमी कहती है कि कुछ अलग लगा, शिंडो कहता है अब तक नहीं। रिमी कहती है जब भी पता चले मुझे जरूर बताना, फोन रख देती है। तभी शिंडो की नज़र दोनों के टूथब्रश पर पड़ती है। खाने की बारी आती है तो शिंडो कहता है खाना बहुत टेस्टी है लेकिन ये टाकुन ने बनाया है। ये चैन तुमने कौन सी डिश बनाई है? तो ये चैन कहती है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता और अपने दो दिन पहले वाली डिश लाकर उसे देती है और कहती है कि ये मैंने बनाई है, जिसे खाकर शिंडो कहता है कि बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल विलेज वाली फीलिंग आ रही है। शिंडो कहता है कि तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो कुछ बचपन की बात बताओ। ये चैन कहती है कि समर वेकेशन में या मेरे डैड ऑफिस से जब लेट आते थे तो मैं टाकुन के घर में ही खाना खाती थी, क्योंकि मैं जब 5 साल की थी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। शिंडो कहता है तुम्हें तो बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। ये चैन कहती है कि पहली बार किसी ने ऐसा कहा है, क्योंकि लोग तो बस ऐसे ही कहते थे कि तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा, तुमने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे होंगे, सब पास्ट टेंस में बात करते हैं। शिंडो कहता है कि समझ सकता हूँ, लोनलीनेस बाहर से नहीं अंदर से होती है। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हूँ, वो फ्रेंड्स मेरे दूसरे फ्रेंड से मिलते हैं, जब मैं नहीं होता तो भी वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये चैन कहती है तुम्हें तो बहुत लोनलीनेस फील होता होगा, तुम बहुत ग्रेट इंसान हो। शिंडो कहता है कि तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो तुम लोग में एक सिबलिंग जैसा प्यार होता है, तो तुम लोग लाइक से लव में कैसे ट्रांसफर हो गए? तो टाकुन ये चैन के सर पर हाथ रखकर कहता है कि ये चैन मेरा फर्स्ट लव है। तो शिंडो कहता है कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव हो। तो टाकुन कहता है नहीं, हमारा और एक चाइल्डहुड फ्रेंड है केनचैन, ये चैन का फर्स्ट लव केनचैन है। और माहौल बहुत ही सीरियस हो जाता है। तभी टाकुन को कॉल आता है कि साइट पर कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे जाना पड़ेगा। टाकुन के जाते ही शिंडो कहता है कि टाकुन इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कमिटेड है। तो ये चैन कहती है कि हाँ, उसे लीड कर स्काई देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम हाई स्कूल में थे तो हमारी कैंप गई थी, उसने कहा था कि हम रात में स्काई देखेंगे और इतनी ठंड थी कि नेक्स्ट डे मुझे फीवर आ गया और मुझे घर भेजा गया। शिंडो को एहसास हो जाता है कि ये चैन बहुत ही अच्छी है। दोनों बाहर जाकर वॉक करने लगते हैं। तभी टाकुन वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर लंच करते हैं। जब दोनों आगे बढ़ जाते हैं तो शिंडो उनको देख रहा होता है।
नाखून पलटकर उसे आवाज देता है तो शिंडो दोनों की फोटो क्लिक करता है और फिर वो तीनों साथ में बहुत ही अच्छे माहौल में लंच करते हैं। तब शिंडो टाकून को कॉन्ग्रेट्स करता है उसके मैरिज के लिए। फिर बताते हैं कि रिमी चैन का फ्रेंड टाकून और ये चैन के हनीमून की फोटो देखकर कहता है कि ये फोटो फेक है, क्योंकि वो लोगों ने कहा कि अक्टूबर में वो हनीमून के लिए दुबई गए थे, लेकिन ये जो बिल्डिंग देख रही हो ना, ये जून में कंप्लीट हुई है। अगर मैं भी उसके जगह पर रहता तो झूठ कहता, क्योंकि तुम्हारे डैड की ही शर्त ऐसी होती है कि वो मैरिड मैन के साथ काम करते हैं। हो सकता है ये फोटो फेक हो लेकिन उनकी शादी सच हो। तो रिमी चैन पजल दिखती है तो उसे देखकर वो कहता है कि रिमी चैन, टाकून की नज़र में तुम क्या हो? लेकिन रिमी चैन के पास इसका जवाब नहीं होता। वहां पर बताते हैं कि टाकून जब घर पर आता है तो ये चैन उसके लिए खाना बनाती है जो कि बहुत टेस्टी भी होता है। टाकून पूछता है कि तुमने कहाँ से सीखा, तो ये चैन कहती है कि तुम्हारे मॉम को कॉल किया था और कुछ तुम भी बनाना सिखा देना। टाकून स्माइल करता है। ये चैन कहती है कि देखो, ये मेरी हॉबी भी है, अगर मैं ऐसे ही सब करते गई तो ये झूठ नहीं होगा। टाकून कहता है अगर ऐसा है तो मुझे और चाहिए, लेकिन ये चैन समझती है कि उसे और खाना चाहिए। ऑफिस में बताते हैं कि टाकून जल्दी अपने काम कंप्लीट कर रहा होता है तो शिंडो कहता है कि आज बात क्या है, आज सारे काम जल्दी कंप्लीट कर रहे हो? तो टाकून कहता है कि शोर मचाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में ये चैन उसके लिए करी बना रही होती है। टाकून जब अपने प्रोजेक्ट को देखता है तो उसे पहले की बात याद आती है, जब भी उसने ये चैन को मैसेज किया था, क्या तुम मेरे साथ स्टार गेजिंग के लिए चलोगी? तब ये चैन ने कहा था कि हाँ, हम कैंचन को भी इनवाइट करते हैं। और ये पढ़ के टाकून का मूड ऑफ हो गया था। 3 दिन बाद जब ये चैन बीमार हो गई थी तो कैंचन ने उसे कहा था कि तुम मुझे स्टार गेजिंग के लिए इन्वाइट करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं आ गया। तो टाकून ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं, तो कैंचन ने कहा था कि तुम झूठ अच्छे से बोल नहीं सकते। तभी जून ऑफिस में आता है जो रिमी का फ्रेंड भी होता है और इन सब से एज में बड़ा भी होता है। टाकून बहाना करता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, लेकिन जून कहता है कि हमेशा की तरह तुम झूठ नहीं बोल सकते। फिर बताते हैं कि टाकून के घर पर तीनों बैठ के खा रहे होते हैं और टाकून का मूड ऑफ होता है। तो जून कहता है ये चैन तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं, इसके फेस देखो कैसे बनाकर बैठा है। और टाकून को कहता है कि जाओ पास के शॉप से तुम डेजर्ट लेकर आओ। ये चैन कहती है कि मैं लेकर आती हूँ, लेकिन जून कहता है कि नहीं, टाकून ही लेकर आएगा। टाकून के जाते ही जून कहता है कि तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो और टाकून ने इसी फ्रेंडशिप का फायदा उठाया है, तुम्हें मैरिड का ड्रामा करने के लिए कहा ताकि निकिता चैन कंपनी के साथ डील कर सके। फिर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये चैन घबरा जाती है। फिर कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो तुम क्यूट कर सकती हो। और उसके पास बैठकर कहता है कि मुझे टाकून ने सब कुछ बता दिया है, वैसे वो फोटो है ना, उसे भी रीएडिट करना पड़ेगा। ये चैन बस 1 सेकंड सोचती है और नील डाउन होकर उसे माफी मांगती है। जून कहता है कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चैन कहती है कि नहीं, मुझे टाकून की वाइफ होने के नाते माफी मांगनी चाहिए कि टाकून ने झूठ कहा। इस बार जून का फेस सीरियस हो जाता है। ये चैन कहती है कि हमारे हनीमून की फोटो मेरे मोबाइल से निकाले गई थी, लेकिन गलती से मुझसे डिलीट हो गई। अब शिंडो आने वाला था, उसे लगता कि हम हनीमून पर नहीं गए इसलिए हमने फोटो एडिट की, अब मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है, सॉरी। तभी डोर पर टाकून की आवाज आती है तो वो कहती है कि टाकून गया, मैं अभी आती हूँ। जून स्माइल करता है और वहाँ डोर पर बताते हैं कि ये चैन कहती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा दिया, यहाँ कुछ और ही सिचुएशन है। तभी वहाँ पर जून आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। टाकून कहता है कि ये डेजर्ट, तो जून कहता है तुम दोनों खा लो, वैसे तुम्हारी वाइफ अच्छी मिली है तुम्हें, वो पास हो गई, और चले जाता है। जब ये चैन उसे सारी बात बताती है तो टाकून कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, वो तुम्हें टेस्ट करने आया था। फिर कहता है कि जून ने ऐसा क्यों किया, हाँ रिमी चैन के वजह से, यानी इसका मतलब रिमी चैन को हम पर शक है। वैसे तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा उससे सामना होने वाला नहीं है, वैसे थैंक यू, तुमने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तो ये चैन कहती है मुझे मज़ा आया, वैसे कहना तो नहीं चाहिए ऐसे क्योंकि मैं झूठ कह रही हूँ। तो टाकून कहता है तुमने ही तो कहा कि तुम सब चीज़ सच करोगी, तो वो झूठ कहाँ रहेगा, क्यों ना हम सबसे बड़े झूठ को। तभी अलार्म होता है कि बात रेडी है और वो बात वहीं पर रह जाती है।
ये चैन और टाकुन दोनों अपने वेडिंग रिंग को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर बताते हैं कि टाकुन ये चैन को अपने प्रोजेक्ट साइट पर इंजॉय करने के लिए ले आता है, लेकिन वहां पर रिमी चैन भी आ जाती है, जिसे देखकर टाकुन कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। तो रिमी चैन कहती है कि हमारे कंपनी की प्रोजेक्ट है, आनी तो पड़ेगी। तभी ये चैन कहती है कि तुम्हारी एक ईयरिंग मिसिंग है और ढूंढने लग जाती है। तो रिमी चैन कहती है कि ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही चीप है। रिमी चैन जब खुद को मिरर में देखती है तो उसे याद आता है कि ये इयररिंग्स उसने अपनी फर्स्ट पेमेंट से ली थी। वो खुद को स्ट्रांग फील करती थी, लेकिन सारे लोग उसके लिए समझते थे कि ये प्रेसिडेंट की डॉटर है, इसे कुछ नहीं आता। लेकिन टाकुन के काम से वो इम्प्रेस हो गई थी। टाकुन ने उसके इयररिंग्स को देखकर तारीफ की थी कि वो बहुत ही स्ट्रांग है।